नमस्कार मित्रों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है, खासकर मध्य प्रदेश वालों को, कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है नए या पुराने लोगों के फिर से चुने जाने का और मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करने का। और देखा जाए तो आज के समय में जो स्टेट का इलेक्शन होता है इंडिया में, वो सिर्फ स्टेट को अफेक्ट नहीं करता, वो केंद्र की राजनीति को भी अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से, इसी शंका को देखते हुए, बीजेपी एकदम फ्रंट फुट में है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री 6 महीने में 7 बार आ चुके, अभी फिर से आने वाले हैं और आते ही रहेंगे जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा। इसके साथ में अमित शाह की टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा तंत्र कई महीनों पहले से ही मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत देख रहा है और समझ रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि क्या इस बार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री होंगे या चेहरा बदल जाएगा मुख्यमंत्री का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो राजनीति मध्य प्रदेश के लिए सही हो या मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सही हो। इसलिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हो कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी, इस बार कोई नया चेहरा लेके आ सकती है, इस बार ये हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान संकट में है। शिवराज सिंह चौहान क्यों संकट में है? मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें प्यार दिया है, उन्हें कई बार चुनाव जिताया है और उन्होंने भी ये चीज साबित की है कि मध्य प्रदेश को कहां से कहां वो लोग लेके आए, ये उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भी शिवराज सिंह चौहान जितना मध्य प्रदेश में, ऐसा कोई नेता नहीं जो एक्टिव हो, जो मध्य प्रदेश की समझ रखता हो और जो आज भी धरातल पे योजनाओं को चलाने का दक्षता रखता हो, ऐसा कोई भी नेता मध्य प्रदेश में नहीं है। देश में कोई दूसरा नेता या तीसरा नेता है तो वो है नरेंद्र मोदी खुद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये 3 लोग हैं जो राजनीति में मुझे समझ में आता है कि ये लोग काम करते हैं। तो अब शिवराज सिंह चौहान जी तो मध्य प्रदेश में ही खुश हैं, मोदी से भी सीनियर है, और जितनी बार मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री रहे होंगे, जितने सालों से या जितने सालों तक, शिवराज सिंह चौहान भी उनसे 21 ही होंगे, 19 तो नहीं होंगे। मध्य प्रदेश को भी शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत डेवलप किया है। आज के समय में मध्य प्रदेश में आप लगभग लगभग कहीं भी चले जाओ, आपको अच्छी सड़क मिलेगी। बिजली की बात करें तो मध्य प्रदेश में बिजली की व्यवस्था, गुजरात तो हमने नहीं देखा था, मोदी सरकार को हमने बाद में देखा, लेकिन मध्य प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को शिवराज सिंह चौहान ने इतना सही कर दिया था कि जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाए। क्योंकि हम लोगों ने दिग्विजय सिंह की सरकार देखी थी और उस समय स्कूल लाइफ में थे और किस तरह से हम लोग रात में पढ़ाई करते थे, ये बता पाना मुश्किल है। रात में अच्छे से सो तक नहीं पाते थे क्योंकि लाइट नहीं होती थी, और मध्य प्रदेश में लगभग 5 से 6 महीने गर्मी रहती है, और गर्मी में अगर लाइट नहीं है तो आप सोओगे नहीं, और फिर सोओगे नहीं आप तो दिन में स्कूल जाके आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश के गरीब होते थे क्योंकि सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने बहुत हद तक सुधारा है, बहुत हद तक उसमें काम किया है। आई एम 100% श्योर कि शिक्षा के क्षेत्र में भी शिवराज सिंह चौहान के जो फर्स्ट 10 ईयर्स थे बहुत अच्छे थे। अभी सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जिसपे ध्यान देने की जरूरत है। अब रही बात शिवराज सिंह चौहान जी के दोबारा सिलेक्शन की, वो कौन निर्धारित करेगा, और दिल्ली में बैठे लोग निर्धारित करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा, या मध्य प्रदेश के लोग निर्धारित करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा। ऑनेस्टली बोलो तो शिवराज सिंह चौहान जैसा अभी बीजेपी में, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं है, या उसने ऐसा कुछ साबित नहीं किया है कि वो मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगा या वो शिवराज सिंह चौहान से बेहतर काम कर सकता है।
शिवराज सिंह चौहान को आप अगर सेंटर में होम मिनिस्ट्री दे रहे हैं, कोई बड़ा पोर्टफोलियो दे रहे हैं संभालने के लिए, तो समझ में आता है कि शिवराज सिंह चौहान इतने सीनियर हो चुके हैं, इतने सालों का उनका अनुभव रह चुका है, एक प्रदेश को उन्होंने डेवलप किया है, तो काफी अनुभवी है। तो अगर उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, उनकी एक्सपीरियंस को मोदी सरकार और ज्यादा अपॉर्चुनिटी शिवराज सिंह चौहान जी को देना चाहती है तो ठीक है। अब होम मिनिस्ट्री तो देंगी नहीं, क्योंकि अमित शाह जी वहां पे हैं होम मिनिस्ट्री में, राजनाथ सिंह दूसरा पोर्टफोलियो ले रखे हैं, तो सेंटर में मेरे ख्याल से शिवराज सिंह जी के लिए मोदी सरकार में कोई जगह नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना सेटअप होता है, अपनी वर्किंग स्टाइल होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सोच रही है कि शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर देगी, किसी और को मुख्यमंत्री बना देगी, तो ये लोगों के साथ धोखा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आवश्यक बात है, इतने सालों से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे हैं और एक ही व्यक्ति से लोग ऊब जाते हैं, खुद के भाई से निराश हो जाते हैं, खुद के रिश्तेदारों से, खुद के फ्रेंड से, 17-18 साल की उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, चाहे कोई कितना भी ट्राई करे। अब रही बात पैसे इकट्ठा करने की, स्कैम्स की, तो आज के टाइम में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नेता होगा जो स्कैम करने के लिए नहीं राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आया हो। जो भी नेता थे वो सब यही नेता थे, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इस तरह के जो भी नेता थे, वो कैटेगरी बंद हो गई है, अब वो कैटेगरी नहीं आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में पहले से ही शिवराज सिंह चौहान कैपेबल थे और कैपेबल हैं अपने मंत्रिमंडल को संभालने के लिए, अपने मध्य प्रदेश की टीम को संभालने के लिए, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे वो त्योंथर के विधायक श्यामलाल द्विवेदी हो, चाहे वो केपी त्रिपाठी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, कितने जितने भी बड़े नेता हैं आज के टाइम में जो जिनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी सोच रही है, वो सब इनसे शिवराज सिंह चौहान जी के साथ काम कर चुके हैं, उनके अंदर काम कर चुके हैं और इस टीम ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और टीम ने मिलकर मध्य प्रदेश को डेवलप किया है। मैं यही कहूंगा कि केंद्र सरकार को, सेंटर में बैठी बीजेपी को, शिवराज सिंह चौहान जी की मदद करनी चाहिए, जितनी मदद हो सके उतनी करनी चाहिए, क्योंकि वाकई में ये पिछले जब से कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ की सरकार ने, तो एक तो कमलनाथ की सरकार 18 महीने थी, लेकिन उसने बहुत से गलत काम सिखा दिए थे ये प्रेजेंट सरकार को, पहली चीज। दूसरी चीज, 20 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, ज्यादातर विधायक बीजेपी की मेंटालिटी या बीजेपी के कार्यशैली से प्रभावित होकर नहीं आए थे, वो कांग्रेस में असंतुष्ट थे, कांग्रेस की पहली बार मध्य प्रदेश में सरकार बनी, इस वजह से कांग्रेस उसको हैंडल नहीं कर सकी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि उनको मौका मिल जाएगा। कमलनाथ को भी एज अ मुख्यमंत्री इतना बड़ा लीडरशिप हैंडल करने का कभी मौका नहीं मिला था, तो इस वजह से सिंधिया ऑलरेडी ही वॉज मच मोर पावरफुल देन कमलनाथ, तो इसलिए वो बगावत कर गए। अभी ऐसा अगर लग रहा है पार्टी को, बीजेपी को, कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देंगे या बीजेपी से किसी भी नेता को एग्जिस्टिंग से मुख्यमंत्री बना देंगे, या जो ऑलरेडी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में जो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं सांसद मध्य प्रदेश के, उन सांसदों को चुनाव लड़वाना मध्य प्रदेश में, और ये सोचना कि हम इनको मुख्यमंत्री बना देंगे, बीजेपी के लिए बैकफुट बनेगा। उसका रीजन ये है कि ये सब सरकार नहीं चला पाएंगे, किसी भी स्टेट को, खासकर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट को संभालना, जहां एक साइड में पूरा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, एक साइड में पूरे हरिजन आदिवासी हैं, एक साइड में कोई और जाति धर्म के लोग रहते हैं, एक साइड में कोई और, बहुत डाइवर्स है, जंगली एरिया है, हर चीज है, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि फायर ब्रांड नेता आ जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मेरी इतना समर्थन है, मेरा ये है, ये सब नहीं चलने वाला है मध्य प्रदेश में। हमने ऑलरेडी देखा है शिवराज सिंह चौहान का काम, शिवराज सिंह चौहान जी ने ऑलरेडी साबित किया हुआ है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अब इस बार थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी आए, थोड़ी और
पावर मिले शिवराज सिंह चौहान जी को, ताकि वो ऐसे लोगों को टिकट ना दे, बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट ना दे पाए जो जीतने का तो मादा रखते हो लेकिन अंदर से खराब। मेरे कहने का ये मतलब है कि बीजेपी ऐसे कई लोगों को टिकट दे रही है जिन्होंने कुछ किया नहीं है। अभी जो दूसरी लिस्ट आई है मध्य प्रदेश बीजेपी में, उसमें बहुत से वाहवाही लूटी जा रही कि मास्टर स्ट्रोक मार दिया, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बैकफुट में आ गई है कांग्रेस, ये सब बेवकूफी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या तीर मार दिया? मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं आपको। सीधी से सांसद है रीति पाठक, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में है, उनके बाजू में बैठती है, बार बार कैमरा उनकी तरफ घूमता है लेकिन आज तक उनको एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की सरकार ने नहीं दिया। जबकि सीधी एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुन के भेजा है उनको दायित्व और साथ में अपॉर्चुनिटी भी देना है कि आपका क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा है तो आपको तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। तो ना तो रीति पाठक अपॉर्चुनिटी लेके आ पाई, ना उन्होंने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट किया। अमित शाह जी की जो रैली हुई थी जिसमें 14 लोग मारे गए थे, सीधी के 14 गरीब लोग मारे गए थे, कई लोग ऐसे हैं जो जन्म के लिए पूरे जन्म के लिए विकलांग हो गए, अच्छे खासे लोग थे, चलते फिरते लोग थे, विकलांग हो गए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 लाख रुपए मरने वालों को दिया, 2 लाख रुपए घायलों को दिया, लेकिन इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के पास काम इतना है, अगर टीम वर्क की बात की जाए तो वो ऑलरेडी, ये मौका जब हुआ तो ऑलरेडी चुनाव का टाइम शुरू है। एक मुख्यमंत्री एक गांव में जाके नहीं पता कर सकता कि क्या इश्यू है, अभी सब सही हो गया कि नहीं, तुम लोगों ने हमारे तुम लोग हमारी रैली में आए, ऐसा हादसा हो गया, हम दुखी हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का भी ये दायित्व है कि उनकी खबर लेनी थी एक बार मदद करने के बाद, क्योंकि उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो पूरे जन्म के लिए विकलांग हो गए हैं और 2 लाख रुपए में उनकी जिंदगी चलने से रही। दूसरी बात, जो 2 लाख रुपए दिए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उस 2 लाख रुपए से ही लोग अपनी दवाई करवा रहे हैं, तो ये भी एक शर्म वाली बात है। सबसे बड़ी शर्म वाली बात यह है कि केदारनाथ शुक्ला जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते थे, प्लस रीति पाठक जो सीधी से सांसद हैं, आज तक वो उस जगह में नहीं गई दोबारा पूछने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ, तुम लोग हमारी पार्टी की मीटिंग में आए थे, हमारी रैली में आए थे और ऐसा हादसा हो गया, आप लोग बताओ हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। दिस ओनली सोच कि आप कितने लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, कितनी अच्छी सोच रखते हैं। रीति पाठक इन 2 मामलों में फेल हुई है। तीसरा मामला रीति पाठक का यह है कि रीति पाठक ने एक गांव गोद लिया था सीधी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब सांसद गांवों को गोद ले रहे थे, नरेंद्र मोदी जी गोद लेने वाले लोगों को मतलब अपने सांसदों को इनकरेज कर रहे थे कि आप लोग गोद लो गांव को, तो रीति पाठक ने एक गांव गोद लिया था। गांव गोद लेने के पीछे मुझे तो नहीं पता क्या लॉजिक रहा होगा नरेंद्र मोदी जी का, बट जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है तो गांव एक, अगर एक सांसद ने एक गांव एक क्षेत्र में गोद ले लिया, उस गांव में हॉस्पिटल बन गया, उस गांव में अच्छी स्कूल बन गई, तो आसपास के जो 4-5 किलोमीटर के लोग हैं उस गांव में आके हॉस्पिटल की सुविधा ले सकते हैं और साथ में एजुकेशन भी ले सकते हैं इन आदर्श गांवों की स्कूल में। लेकिन रीति पाठक ने बराबर खर्च किया, उनके गोद लिए हुए गांव में अच्छी स्कूल बनी है, अच्छा हॉस्पिटल बना है, सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक सांसद के गोद लिए हुए गांव में होनी चाहिए, लेकिन उनका रखरखाव नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं स्कूल में, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, किसकी गोद लेने का मतलब क्या होता है? अगर जनरली देखा जाए तो अगर इंसान किसी दूसरे के बच्चे को भी गोद लेता है ना, तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उससे एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है, उसके साइन होते हैं कि आप इसको पूरे अधिकार दोगे जो आप अपने बच्चे, जो आपके बच्चे के लिए होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन रीति पाठक ने जो गांव गोद लिया, उस गांव के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं उनको समझ में आई और ना ही वो कभी गई।
तो केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटने के बाद रीति पाठक को टिकट दिया जाना एक तरह से डिमोशन है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। वहीं से सीधी से ही किसी दूसरे विधायक को, विधायक उम्मीदवार को जो डिजर्व करता है, अब इसी बात है बीजेपी में बहुत से नेता हैं, अच्छे नेता हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनको कब मौका मिलेगा। लेकिन मोदी और अमित शाह की अग्रेसिव राजनीति ने कई अच्छे नेताओं की ऐसी तैसी कर दी है, कई नेता रिटायर हो गए, उनका अनुभव धरा का धरा रह गया, वो इंतजार करते रहे कि कब उनकी सरकार बनेगी और वो अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को देश के लिए जो उन्होंने सपना देखा था। अभी बात है मोदी जी ने कई सपनों को पूरा किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता के ऊपर अगर ये दबाव आ रहा है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, बदले जाओगे, तो 18-20 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रह चुके हैं, उनके अंदर काबिलियत है, उनको ये चीज बोलने का किसी को हक नहीं है कि अब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। ये शिवराज सिंह चौहान जी का डिसीजन होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और एक चीज और मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बता दूं जो दिल्ली से बैठ के मध्य प्रदेश को चलाना चाहते हैं, कि शिवराज सिंह चौहान जी ईमानदार हैं, जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश का विकास किया है, जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, एक विकसित प्रदेश बनाने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने औद्योगिक क्षेत्र बनाए, इतना डेवलपमेंट हुआ, आज के टाइम में भोपाल में आपको 2-3 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, इंदौर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका 1-2 करोड़ पैकेज है, ये सब ऐसे नहीं हुआ एक रात में, इसके लिए बहुत टाइम लगा है और हम लोगों ने देखा है, हमने बचपन भी देखा है, दिग्विजय सिंह की सरकार भी देखी, उस समय हम बच्चे थे, फिर हमने शिवराज सिंह चौहान जी की भी सरकार भी देखी, अभी भी देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में बिजली की समस्याएं भले ही इतनी ज्यादा हो, लेकिन वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली कटौती आज के समय में हो रही है उतनी मध्य प्रदेश में मतलब उससे 10 गुना बेहतर है। तो अगर आप लोग कहीं नहीं गए हो, कहीं नहीं देखे हो, तो ऐसी चीजें देखा करो जो आप लोग को अनबायस्ड चीजें बता सके। हो सकता है कि मैं इस वीडियो में बहुत बड़ा एनिमेशन ना डाल पाऊं, ये वो जो ध्रुव राखी वगैरह जैसे एनिमेशन आते हैं वो नहीं कर पाऊं मैं, लेकिन अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं हम, और हम बता सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और ये हमारा कर्तव्य भी है कि अगर किसी व्यक्ति ने 18 साल दिए हैं हमारे भविष्य को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, तो ये हमारा कर्तव्य है कि अगर आज वो मुसीबत में खड़ा है तो हम उसके लिए आवाज उठाएं। और यही है मध्य प्रदेश की आवाज जो हम लोग द खबरदार न्यूज से शुरू किए हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि शिवराज सिंह चौहान की गद्दी हिल गई, अब सिंधिया हो जाएंगे मुख्यमंत्री, या कैलाश विजयवर्गीय हो जाएंगे, या सेंटर से जो अभी आए हुए हैं सांसद केंद्रीय मंत्री वो मुख्यमंत्री क्यों बन जाएंगे, क्या किया है उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए। अभी कौन सा ऐसा नेता है जो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा जिसको अपॉर्चुनिटी मिली हो और उसने प्रूव किया हो। यहां देखते हैं कि एक नेता आएगा वो बोलेगा कि मैं तो झुग्गी झोपड़ी में रहता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, मुझे वोट दो। एक बार उसको जनता ने वोट दे दिया तो उसकी झुग्गी झोपड़ी की जगह में आलीशान महल बन गया। जो व्यक्ति कभी अच्छी गाड़ी में, चार पहिया गाड़ी में नहीं घूमा हो, वो विधायक बनते ही स्कॉर्पियो, पहले बोलेरो फिर बोलेरो से स्कॉर्पियो, अब अगली बार चुन लिया गया तो फॉर्चूनर में घूमेगा, ढेर सारी जमीन में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ऐसे लोगों को जिनको कभी मौका नहीं मिला और हमको लगता है कि वो ईमानदार है, प्लीज प्लीज टेस्ट योर सेल्फ। जिन लोगों को मौका मिला और जिन लोगों ने साबित किया कि हाँ मौका मिलने के बाद भी मैं ही रहूंगा, मौका उन्हीं को देना है बार 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 उनको मौका नहीं मिला देना है कि एक बार हमने ठीक है गलती से दे दिया, गलती सबसे होती है, एक बार गलती से वोट दे दिया, देख लिया वो व्यक्ति सही नहीं है, अब उसको फिर से अगर बीजेपी रिपीट करती है तो उसको वोट क्यों देना है। हम किसी के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम वोट देंगे जो तुमने हमारे लिए, हमारी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चुना है। और अगर एक विधायक की परफॉर्मेंस बीजेपी नहीं मॉनिटर कर पा रही है, एक विधायक को ये नहीं पता है कि
उसका टिकट दिल्ली से बनेगा कि उसका टिकट भोपाल से शिवराज सिंह चौहान जी क्लियर करेंगे। जब ये चीज डिसाइड नहीं होगी तो इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से पॉलिटिक्स प्ले होती है। अगर आप बोलते हैं कि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो ये कहीं का नियम नहीं है कि जो कोई अच्छे से अपनी सत्ता अपनी कुर्सी संभाल लिया है उसको आप चेंज कर दो। आपको बहुत शौक है मध्य प्रदेश के टैलेंट और हमारे लोगों को ले जाने का, तो ले जाओ ना। आपने दिया था, कितना बढ़िया आपने काम किया था कैलाश विजय वर्गीय जी को, फायर ब्रांड नेता, एकदम हिंदूवादी नेता, आपने उनको बंगाल का वो दिया। आप देखो कितना बंगाल में उन्होंने आपको इम्प्रूवमेंट करके दिया। ऐसे ही आप सिंधिया को भी ले जाइए, दूसरी चीजों में आपका उनकी एक्सपर्टीज यूज करिए, साउथ में जहां आपका बिल्कुल वोट बैंक नहीं है। आप ऐसे नेताओं को ले जाइए, कांग्रेस वालों को, जिनके ऑलरेडी कनेक्शंस हैं कर्नाटका में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरला में। आप इन लोगों को वहां पे यूज करो, वहां पे इनको चुनाव लड़वाओ। आप प्रोजेक्ट करोगे कि सिंधिया विल बी द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर केरला, पीपल ऑफ केरला में वोट फॉर सिंधिया, आई एम टेलिंग यू। सो प्लीज ये सब आप लोग ना ये मत सोचा करो कि जनता मूर्ख है, जनता को समझ में नहीं आता। हो सकता है कि मेरा एक वोट मैं अपनी समझ के हिसाब से डालूंगा, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सबके दिमाग में ये चीजें चलती होंगी। और शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री मिलना मध्य प्रदेश के बस की, मतलब आज के समय में तो ऐसा कोई नेता है ही नहीं। तो आप हमारे गले में, मतलब हम वोट दें फिर तुम चूज करो कि किसको मुख्यमंत्री बनाओगे, ये नहीं चलेगा। तो मैं बीजेपी को यही कहूंगा कि पहली चीज तो चुनाव से पहले आप मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर दीजिए। ये बोलने से नहीं होता कि ये हमारी पार्टी, हम डिसाइड करेंगे, आप कौन होते हैं हमारे उसमें। हम ही है भाई, हम ही बोल रहे हैं कि इसको बनाओ, हम ही बोल रहे हैं ना, हम ही बना रहे हैं ना विधायक। और जब हम विधायक बना रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होने चाहिए बीजेपी से, जीते हारे वो अलग बात है, वो उनकी किस्मत है, जीते हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये है कि जनता के मन में शिवराज है, बहनों के मन में शिवराज है। शिवराज सिंह चौहान ने सब कुछ किया है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे नंबर लाने पे पैसे दिए, पढ़ने के लिए सुविधाएं दी, आंगनबाड़ी, हर चीज की सुविधा मध्य प्रदेश में है। प्रॉब्लम शिवराज सिंह चौहान में नहीं, प्रॉब्लम आज के समय में सरकारी कर्मचारियों पे है। सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं पता, कल तो फिर डीजीपी बोलेगा शिवराज सिंह चौहान कौन होता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, मुझे तो सेंटर वालों ने भेजा है, मैं तो सेंटर का चाहता हूं। ऐसे चलेगा क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? कब तक ऐसा करोगे आप लोग? आप लोग अपनी पार्टी जिंदा रखने के लिए मध्य प्रदेश में टिकट और चुनाव मत लड़ो और टिकट मत बांटो। आप लोग मध्य प्रदेश को जिंदा रखने के लिए चुनाव करो। ये आपका भी चुनाव है, आपकी पार्टी का भी चुनाव है। आप जनता को बोलते हो इस पे ध्यान मत दो, उस पे मत ध्यान दो, ये जो हम बोल रहे हैं वो सुनो, वो सर वो लोग देशद्रोही हैं, ये है वो है। हाँ, हमने सुन लिया आपकी बात, अब आप भी हमारी बात सुन लो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बाद में होगी, वीडियो काफी लंबा हो गया है। और दूसरी चीज देखो भाई, मैं हूं मध्य प्रदेश का, मैंने 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार देखा है, जो बचपन में देखा है, तब पता ही नहीं होता था सरकार होती क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान आए, स्टेबिलिटी आई। जो नेक्स्ट जनरेशन है, आज के टाइम में मध्य प्रदेश के बहुत से लोग बहुत से बड़े बड़े पदों में हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। 18 साल में एक बच्चे का पूरी पूरी एजुकेशन खत्म हो जाती है। तो हम जैसे लोग जो अभी अच्छी पोजीशन में हैं, अच्छे उसमें हैं, इसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी की देन है। आज घरों में, गांव में अच्छी पैदावार हो रही है, पहले स्ट्रगल करना पड़ता था घर में पैसे भेजने के लिए। आज के टाइम में मम्मी पापा बोलते हैं मत भेजो, चाहिए तो हमसे ले लो। क्यों? उसका रीजन है कि ये जो बाण सागर नहर बनी, उसमें से खेत सिंचित हो गए, खेत सिंचित हो गए तो अब उपजाऊ जमीन हो गई। लोग बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि कहां पैसा डबल हुआ, तो मैं तो बोलता हूं 10 times हुआ है। मैं मेरा खुद का, मैं किसान का बेटा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि हमारी पैदावार 10 times बढ़ी है नहर बनने के बाद। तो ऐसे इलॉजिकल बात मत किया करो। हाँ, जब नहर बन रही थी तो तुम लोगों ने किया, सरकार ने घोटाला नहीं किया, तुम लोगों ने किया। तुम्हारे बाजू में नहर बन रही थी तो तुम लोगों ने सीमेंट चोरी किया, गिट्टी चोरी की, सरिया चोरी किया,
तुम लोगों ने घटिया क्वालिटी की सीमेंट डाली, जित वहीं के सब ठेकेदार थे, अब वही गलत कर रहे थे, सब वाहवाही कर रहे थे, वाह अरे यार उसने 100 बोरी सीमेंट चोरी कर ली, देखो अपनी छत डलवा लिया। अब फिर बाद में बोलोगे कि मुख्यमंत्री चोर है, शर्म आनी चाहिए। वहीं गांव के स्कूल में जाते हो, स्कूल की खराब हालत देखते हो, आवाज नहीं उठाते हो, बोलते हो मुख्यमंत्री बेकार है, तुम्हारा ही चाचा, तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही ताऊ जाके उस स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचर है, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं जाता, वो कभी अकाउंटेबल नहीं हुआ। तुम बोलते हो कि मुख्यमंत्री खराब है, प्रधानमंत्री खराब है। पहले अपने आप में चेक करो कि तुम कितने अच्छे हो। मैं वोटर से बोल रहा हूं, ईमानदार आदमी को बोलोगे कि वो रेस में ही नहीं है, शिवराज सिंह चौहान से क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, काफी लंबी वीडियो हो गई और काफी बात हो गई। मध्य प्रदेश के चुनाव में मैं काफी होपफुल हूं और मैं तो बैक कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान को। अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश के तो अच्छा है, और नहीं बनते हैं तो भी ठीक है, सब इंडिविजुअल्स की सोच है, उसमें हम फोर्स नहीं कर सकते, बीजेपी का खुद का सिस्टम है। बस यही कहना चाहूंगा कि जो सिलेक्शन हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, वो जोड़ तोड़ की राजनीति को बचाने या बिगाड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए होना चाहिए, वो मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में प्रूव किया था कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने की रेस में है और बने भी, तो शिवराज सिंह चौहान उनके समकक्ष ही हैं, उनसे सीनियर नेता हैं और शिवराज सिंह चौहान ने भी अच्छा काम किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम गया था प्रधानमंत्री के लिए, उस समय शिवराज सिंह के नाम की भी रिकमेंडेशन गई थी। तो कायदे से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी को तो आज के समय में भारत सरकार में एटलीस्ट गृह मंत्री या रक्षा मंत्री होना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिली नहीं, उनसे छीन ली गई। कोई बात नहीं, हम लोग खुश हैं, अच्छा हुआ कि उनको वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा जी हमारे साथ में रहें, हमारे सुख दुख को देखते रहें और भी अच्छे से काम करें जहाँ कहीं कमियाँ रह गई हों, और अच्छे से काम करें। दखबरदार न्यूज के माध्यम से मैं अपने भारत सरकार और अपनी मध्य प्रदेश की सरकार की आँख नाक और कान बनना चाहता हूँ। जब भी उनको लगे कि जनता की आवाज़ सुननी है, मध्य प्रदेश की आवाज़ सुननी है, हमारा वीडियो देखें, आपको मध्य प्रदेश की आवाज़ सुनाई देगी। क्योंकि अभी तक मैंने जो कुछ बोला है वो मैंने नहीं बोला है, एक जर्नलिस्ट के तौर पे बोला है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है मध्य प्रदेश में। गरीब बोलते हैं कि मोदी और शिवराज सबसे अच्छे हैं, गरीब ये बोलते हैं कि मामा तो बहुत कुछ दे रहा है, हम खा ना पाए इतना मामा दे रहा है, लेकिन ये जो सरपंच है, ये जो सचिव है, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये हमको नहीं दे रहे। और यही सच भी है, मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जो आज भी खुले में शौच के लिए महिलाएं जाती हैं, बुजुर्ग जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, और ये बेहद शर्म की बात है। तो अभी इस वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा विराम लूंगा और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक लोग, आप लोग अगर मेरा पुराना काम देखना चाहते हैं और मेरे किन अनुभवों के आधार पर मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप देखना चाहते हैं, तो द खबरदार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा खुद का भी एक पेज है जो आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, पेज का नाम है विजय मिश्रा जर्नलिस्ट, और आप लोग देखें, अपने सुझाव दें और हम सब मिल के मध्य प्रदेश में एक बेहतर सरकार, एक बेहतर टीम, जो आज से 7 साल 8 साल पहले एक टीम शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में संतुलित होकर काम करती थी, वही टीम चाहिए। पूरी टीम ने अच्छे से काम किया है। आज के टाइम में थोड़ा मेरे ख्याल से सेंटर से ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, इस वजह से मध्य प्रदेश के वो नेता भी जो शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में उनकी कैबिनेट में काम कर चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सपने देखने के लिए इशारा मिला होगा कि आप भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एक आदमी एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, आप लोगों की टीम अच्छी है। मध्य प्रदेश की सरकार की जो टीम रही है 2018 के चुनाव के पहले, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले, बहुत अच्छी टीम थी। बीजेपी को वोट इसलिए जनता ने नहीं नकारा होगा कि शिवराज सिंह चौहान बुरे मुख्यमंत्री थे, इसलिए नकारा होगा कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने जनता के नाक में दम कर रखा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। कमलनाथ सरकार जब आई तो उन्होंने ट्रांसफर का इतना भयंकर खेल खेला कि आज के समय में शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी उसी रास्ते पे चल रही है। अच्छे पुलिस वालों का ट्रांसफर हो जाता है, जो खराब पुलिस वाले होते हैं आजू बाजू के पुलिस स्टेशनों में घूमते रहते हैं, अपनी पकड़ जमा के बैठे हैं। आज के समय में पुलिस वाले राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको सेवा करनी चाहिए। राजनीति के लिए सरकार है, पार्टियां हैं। तो ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अगर आपको कुछ बदलना है तो मध्य प्रदेश का सिस्टम बदलिए। ये आप कांग्रेस को ख़त्म करते करते बीजेपी को ही कांग्रेस बना दे रहे हैं। अब बीजेपी से 20 लोग कांग्रेस से आए हैं और लगभग ज़्यादातर लोग उसी सोच से अभी भी ग्रसित हैं। ठीक है, एक बार आपने कहा गया है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, मुसीबत में बना लिया, उसको परमानेंट बाप बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने आपकी पार्टी को भरपूर सहयोग दिया है और आगे भी देती रहेगी। मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी की सरकार चाहिए, कांग्रेस की सरकार को अगर चाहिए होती तो वो लोग कांग्रेस को वोट देते। बस इतना ही कहना था।